ऐसी जगह दिखाऊंगा उदयपुर की जो अगर आप उदयपुर आ रहे हो लेकिन आप मेन प्लेसेस लाइक सिटी पैलेस, फतेह सागर लेक वगैरह नहीं जा रहे हो, उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को और बहुत सुंदर है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने महाराणा प्रताप का नाम नहीं सुना। महाराणा प्रताप की लेगेसी को देखने के लिए हमने अपने उदयपुर ट्रिप की शुरुआत की प्रताप गौरव केंद्र से। प्रताप गौरव केंद्र एक्चुअली में एक म्यूजियम है जो कि महाराणा प्रताप की लाइफ और उनकी गरिमा, उनके गौरव, उनकी गाथाओं, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को डेडिकेट किया गया है। इस म्यूजियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रोड के एक साइड जो बिल्डिंग है वहाँ पे बहुत बड़ा महाराणा प्रताप का स्टैचू बनाया गया है 57 फीट का, जो कि तांबे का बना हुआ है और इंडिया के सबसे बड़े स्टैचूज में से एक है। वहीं रोड के दूसरी साइड जो बिल्डिंग है उसमें महाराणा प्रताप के साथ साथ मेवाड़ की रिच हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज को दिखाया गया है। जहाँ 3D आर्टिफैक्ट के थ्रू हल्दी घाटी का पूरा युद्ध दिखाया गया है, वहीं अंदर होने वाले साउंड एंड लाइट शो के थ्रू महाराणा प्रताप की पूरी लाइफ को दर्शाया गया है। महाराणा प्रताप और उनके हैरतअंगेज कारनामों को जानने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने सफर के दूसरे पड़ाव के लिए जो था बड़ी लेक। बड़ी लेक, जिसको जिया सागर के नाम से भी जाना जाता है, अपने आप में ही बहुत सुंदर और बहुत ही शांत टूरिस्ट प्लेस है। बड़ी लेक का निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराणा राज सिंह ने करवाया था और यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था ताकि सूखे के टाइम में उसका पूरा उपयोग किया जा सके। बड़ी लेक को देखने का बेस्ट टाइम मानसून का माना जाता है, क्योंकि इस टाइम तक लेक दोबारा पूरी भर चुकी होती है और आसपास की जितनी पहाड़ियाँ हैं वो सारी हरी हो चुकी होती हैं। बड़ी लेक से सिर्फ 10 मिनट ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे बाहुबली हिल्स पे। बाहुबली हिल्स अरावली हिल्स में ही है और ये वही अरावली हिल्स है जो दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात तक जाती है, जिनके बारे में ये भी माना जाता है कि ये हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। बड़ी लेक और बाहुबली हिल्स जैसी जगहें पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में पता लगता गया वैसे वैसे अब ये एक बड़ी टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में उभर के सामने आ रही हैं। एक्चुअली जब हम यहाँ पे आए थे 15 अगस्त को तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 16 अगस्त को कुछ पंगे हो गए, वही रिलीजियस राइट्स वगैरह, इस वजह से यहाँ पे लगा दिए गए 144 सिंपली मीन्स कि अब आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज जहाँ भी आप जाओगे प्लेसेस खुले हैं लेकिन सारी मार्केट्स बंद हैं, माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है, आपको बहुत सेफ रहना है, आप अपनी फैमिली के साथ हो, लेकिन ऐसे में आप
करो तो क्या करो, 3 दिन की आपकी बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है, देन आपको उदयपुर कवर भी करना है, क्या करना चाहिए? जब मैं सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसने बोला कि हम अंदर नहीं जा सकते, जो मेन सिटी है वहाँ पे राइड्स का डर है, वहाँ पे थोड़े लोग भड़के हुए हैं। हम गए थे बाय चांस, हमें जब पता नहीं था, तो हमने देखा था पुतले वगैरह जला रखे थे, पूरा कर्फ्यू का माहौल हो रखा था, पुलिस वगैरह हर जगह थी, बहुत बैरिकेडिंग हो रखी थी, और बस उन्होंने कहा था भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। सो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते तो हम बाहर की जगह कवर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा उदयपुर की, जो अगर आप उदयपुर आ रहे हो लेकिन आप सिटी पैलेस, फतेह सागर लेक वगैरह नहीं जा रहे हो, उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को और बहुत सुंदर है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सब जगहों पे लेके चलूँगा। जैसे कि मैंने बताया, उदयपुर में सेक्शन 144 लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि बाहर जो जगहें हैं जैसे कि नाथद्वारा और रासमंद लेक, हम वहाँ जाते हैं और हम उन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। नाथद्वारा में हम आप पहुँचे विश्वास स्वरूपम में, जिसे शिवजी का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू भी माना जाता है, जिसकी हाइट है लगभग 369 फीट। इस स्टैचू का निर्माण 2012 में शुरू हुआ था और 2022 में ये कंप्लीट होकर टूरिस्ट वगैरह के लिए ओपन हुआ है। टूरिस्ट को अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखाने के लिए इस स्टैचू के अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग व्यूइंग गैलरीज को बनाया गया है, जहाँ पे लिफ्ट की सहायता से लेके जाया जाता है। ये जो शिवजी का स्टैचू है, ये 30 एकड़ के कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, और बाकी यहाँ पे आपको मेडिटेशन हॉल, गार्डन और म्यूजियम जैसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। नाथद्वारा में शिवजी के स्टैचू के दर्शन करने के बाद हम लोग आ पहुँचे अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पे, जो कि था रासमंद लेक। 1660 में इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था, और ये इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है, क्योंकि ये जगह भी अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट होती जा रही है, इसलिए अब यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्पीड बोट्स, एक्वा साइकिल और कयाक इत्यादि शुरू किए गए हैं। सेक्शन 144 की वजह से जैसे हम उदयपुर सिटी में तो नहीं जा पाए, और कुछ जगहें जैसे कि सिटी पैलेस, फतेह सागर लेक वगैरह हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये जगहें हैं जो कवर करी। उम्मीद है आपको ये जगहें पसंद आई होगी। अगर आप जब भी उदयपुर का प्लान बनाते हैं, आप इन जगहों पे ज़रूर जाइए, एंड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।